morning students, how are you? Fine. Now today we are going to start exercise 6B. ठीक है, exercise 6B start करने जा रहे हैं. Before starting this exercise, we will prove one result. Okay, एक result prove करेंगे. This one result. You have to given on a page number 103. This result, exterior angle property of a triangle. ठीक है, ये हमने प्रूव करना है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल की. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है किसी ट्रायंगल की. ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास रिजल्ट है. थ्योरम इज गिवन टू यू. इफ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, अगर किसी ट्रायंगल की साइड को प्रोड्यूस्ड करें हम, मीन्स उसको आगे ले जाए. जैसे मैंने पहले ये ट्रायंगल बना ली, ठीक है, ऐसे ऐसे ये एक ट्रायंगल बना ली है ना. ठीक है, ये छोटी सी एक ट्रायंगल बनाई है ऐसे. ठीक है, इसकी ये वाली साइड ए बी सी ऐसे ट्रायंगल है, ये वाली साइड को मैंने ऐसे प्रोड्यूस कर दिया, मीन इसको आगे ले गई. ठीक है, तो हमने क्या बताना है, देन एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. तो हमने बताना है कि जो इस ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का एक्सटीरियर ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, मीन इसका जो बाहर वाला एंगल है, इसके देखो पहले एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं, इंटीरियर कौन से हैं. इंटीरियर है इसके अंदर वाले, ये वाला, ये ट्रायंगल के अंदर है ना, तो ये इसके इंटीरियर एंगल हो गए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये इसके इंटीरियर एंगल है. और जो इसके बाहर है एंगल, ये इसके बाहर है, ट्रायंगल के बाहर पड़ा है ना ये एंगल, तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया. ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट है कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो किसके इक्वल होता है, इसके ओपोजिट. इसके ओपोजिट कौन से दो एंगल हैं, ये वाले, ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल. इसके ओपोजिट जो इंटीरियर एंगल हैं उनके प्लस के इक्वल होता है. ठीक है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ ओपोजिट इंटीरियर एंगल्स. कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल है इसके दो ओपोजिट इंटीरियर एंगल्स के प्लस के इक्वल. ठीक है, क्लियर. नाउ देखो इसका प्रूफ, देखो हमारे पास कैसे है. ओके, देखो हमारे पास ये ट्रायंगल ड्रॉ होगी, एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री लिख लिया इसको. ये मेरे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी, और इसकी साइड को मैंने प्रोड्यूस किया है डी पॉइंट तक. ठीक है, देन एंगल जो यहाँ पे एंगल बन रहा है उसको मैंने दे लिया नेम एंगल वन, जो यहाँ पे एंगल बन रहा है इसको मैंने नेम दे लिया एंगल टू, जो यहाँ पे एंगल बन रहा है इसको एंगल दे लिया मैंने नेम थ्री, और जो यहाँ पे एंगल है एक इसके बाहर एंगल है, एंगल वन टू थ्री, ये सारे इसके इंटीरियर एंगल हैं, अंदर वाले एंगल. ठीक है, जो बाहर है, ठीक है, जो बाहर है हमारे पास ये वाला एक्सटीरियर एंगल है, एंगल फोर. ठीक है, ओके. नाउ देखो बेटा क्या करना है, हमने एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री, इस पे हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे. ठीक है, नाउ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के वजह से हमारे पास क्या आ जाएगा, कि जो ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल्स का प्लस किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के. एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, कि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का प्लस किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के. सो वी हैव राइट हेयर एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री किसके इक्वल है, 180 डिग्री के. ठीक है, नाउ हमारे पास एक और क्या प्रॉपर्टी है इसमें, और कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है. एक हमें पता है कि ये दोनों एंगल क्या बना रही हैं, लीनियर पेयर बना रही हैं. एंगल थ्री एंड एंगल फोर क्या बना रही हैं, लीनियर पेयर बना रही हैं. सो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, एंगल थ्री और एंगल फोर का प्लस अगर वो लीनियर पेयर बना रहे हैं, मीन्स उन दोनों का प्लस किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल. ठीक है, नाउ अभी देखो, एक मेरे पास ये रिजल्ट है, सेकंड मेरे पास ये रिजल्ट है. इन दोनों में देखो राइट हैंड साइड, दोनों की राइट हैंड साइड पे क्या है, 180 डिग्री. यहाँ पे भी 180 डिग्री है, यहाँ पे भी 180 डिग्री है, मींस दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है. अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी. इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी अभी क्या पड़ा है, एंगल वन टू थ्री मैंने लिख दिया यहाँ पे, एंगल वन टू थ्री इक्वल टू इसकी दूसरे वाले की लेफ्ट हैंड साइड पे क्या पड़ा है, एंगल थ्री एंड एंगल फोर. यहाँ पे लिख दिया एंगल थ्री एंड एंगल फोर. ठीक है, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी क्योंकि राइट हैंड साइड इक्वल है. राइट हैंड साइड इक्वल है, दैट्स व्हाई लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल्सो इक्वल. ठीक है, नाउ देखो यहाँ पे भी
इक्वल में एंगल थ्री पड़ा है, यहाँ पे भी इक्वल में एंगल थ्री पड़ा है, तो एंगल थ्री से क्या हो गया, कट हो गया। ठीक है, सेम सेम एंगल बने हैं, जब अगर इक्वल में सेम क्वांटिटी होती है तो हम कट कर देते हैं ना सामने वाले को सामने वाले के साथ, वैसे एंगल थ्री के साथ एंगल थ्री कट हो गया। सो वी लेफ्ट विद एंगल वन प्लस एंगल टू इक्वल्स टू एंगल फोर, बन गया ना यही रिजल्ट, यही बनाना था ना हमने। एंगल क्या बन गया अभी हमारे पास, एंगल वन और एंगल टू, इन दोनों का प्लस किसके इक्वल आ गया, एंगल फोर की। यही है ना एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो भी यही है कि दो इंटीरियर एंगल्स का प्लस किसके इक्वल है, एक्सटीरियर एंगल्स के। ठीक है, दो इंटीरियर एंगल्स, इन दोनों एंगल्स का प्लस किसके इक्वल है, एक्सटीरियर एंगल के। ठीक है, दिस इज अवर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल व्हिच इज यूज्ड इन अवर एक्सरसाइज 6B। 6B एक्सरसाइज में पहले यही प्रॉपर्टी यूज करके हम सम सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ एक्सरसाइज 6B, फर्स्ट सम इज इन फॉलोइंग फिगर्स डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। हम ये वाले सम सॉल्व करने जा रहे हैं, दिस वन। ठीक है, 6B के ये वाले सम्स। ओके, क्या ये फर्स्ट सम है, फर्स्ट सम यू हैव टू गिवन दिस फिगर, आपको ये फिगर गिवन है, इसमें आपने क्या करना है, वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी हमने क्या किया है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का ही यूज़ करेंगे इस सामने। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या है कि बाहर वाला एंगल जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, कि जो बाहर एंगल है वो इसके दो ऑपोजिट, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों के प्लस के इक्वल होगा। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल का प्लस किसके इक्वल होएगा, 100 डिग्री के इक्वल होएगा। बट हमें पहले ये एंगल भी नहीं ना पता, ये ट्रायंगल बनी हुई है हमारे पास, ये एंगल गिवन है एक्स, बट ये एंगल नहीं गिवन है हमारे पास, ये 125 बाहर वाला एंगल है, ये एंगल नहीं गिवन। तो ये एंगल कैसे निकालोगे, देखो कैसे निकालोगे, ये एंगल कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, इसको मैं ले लेती हूँ एंगल वन, इसको वन ले लेती हूँ, मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 125, इन पे हम क्या लगा सकते हैं, लीनियर पेयर लगा सकते हैं ना, क्योंकि ये सीधी लाइन पे बने हुए हैं दो एंगल्स, मीन्स इन पे हम लीनियर पेयर लगा सकते हैं। लीनियर पेयर मीन्स इन दोनों एंगल्स का प्लस इसके इक्वल होएगा 180 डिग्री के। इसको मैंने ले लिया है एंगल 1, लेफ्ट किया है, एंगल 1 प्लस एंगल 125 डिग्री इसके इक्वल हो गया 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। यहाँ पे लिखोगे बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल 1, एंगल 1 की वैल्यू फाइंड आउट करो, 180 माइनस 125 कितना हो जाएगा, 180 माइनस 125 कितना हो जाएगा, 7 माइनस 255 क्या आ गया मेरे पास, 55। ठीक है, तो हमारे पास एंगल 1 की वैल्यू क्या आ गई, 55, मींस मेरे पास ये वाला एंगल क्या आ गया, 55 डिग्री आ गया, ये वाला एंगल आ गया 55 डिग्री। अभी मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, इस पे हम लगाएंगे नाउ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, मींस इन दोनों एंगल्स के प्लस को किसके इक्वल रखेंगे, 100 के इक्वल। x प्लस 55 डिग्री ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का प्लस किसके इक्वल है, 100 डिग्री के, बिकॉज ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ, PROP मीन्स प्रॉपर्टी। ठीक है, नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स हियर, 100 माइनस 55 कर दो, 100 में से 55 गए, व्हाट वी गेट, 10 माइनस 5 5 9 माइनस 5 4 45 डिग्री इज योर आंसर। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट डू योर सेल्फ, वी विल सॉल्व थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखो क्या करना है, थर्ड पार्ट में भी हम क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। इसमें भी क्या होएगा, इन दोनों एंगल्स का प्लस किसके इक्वल होएगा, 116 डिग्री के। वी हैव टू गिवन इन दिस ट्रायंगल, वन एंगल इज एक्स, सेकेंड एंगल इज वाई एंड थर्ड एंगल इज वाई। दो एंगल्स हमें वाई गिवन है, एक एक्स गिवन है, और हमने फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है,
पहले हम देखो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी किस पे लग रही है, ये देखो ये बाहर एक्सटीरियर एंगल ये है, इसके ओपोजिट इसके सामने इंटीरियर एंगल कौन सी है, ये दोनों इंटीरियर एंगल है, मीन्स इन दोनों का प्लस किसके इक्वल होएगा 116 डिग्री के होगा। तो सो वी विल राइट हियर y plus y equals to 116 डिग्री बिकॉज ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। आप ब्रैकेट में फिर रीजन भी मेंशन करोगे ठीक है। नाउ अभी सबको आता है अलजबरा, तो y में y प्लस किया बट वी गेट 1y में 1y प्लस किया बट वी गेट 2y इक्वल्स टू 116 डिग्री। नाउ y इज 116, ये वाला 2 इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, सो वी गेट 58 डिग्री। y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 58 डिग्री, y भी मेरे पास ये वाला y भी 58 डिग्री आ गया, ये वाला y भी 58 डिग्री आ गया। नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, अभी x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, एक x ये रहा एक ये रहा 116, ये दोनों क्या बना रहे हैं मिलके, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं मेरे पास लीनियर पेयर बना रहे हैं। अगर ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं मीन्स इन दोनों एंगल्स का प्लस किसके इक्वल होएगा 180 डिग्री के, x प्लस सो हम वही लगा देंगे x प्लस 116 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर ठीक है। नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x हियर, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो 180 डिग्री माइनस ये प्लस का इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, 180 में से 116 माइनस किए क्या आ जाएगा मेरे, सो क्या आ गया मेरे पास 180 में से 116 माइनस करके क्या आ गया 64 डिग्री। सो वैल्यू ऑफ एक्स इज 64 डिग्री एंड वैल्यू ऑफ वाई इज 58 डिग्री। नाउ फॉर सम डू योरसेल्फ वी विल सॉल्व फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट में देखो क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी एक्स देखो इसके एक्सटीरियर में पड़ा है ट्रायंगल के, एक्स इसके एक्सटीरियर में पड़ा है तो हम इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि इसका ये इसके इक्वल होएगा इन दोनों एंगल्स के प्लस के इक्वल होएगा, बट मेरे पास ये एंगल नहीं है, मेरे पास ये एंगल नहीं है तो फर्स्टली आई विल फाइंड आउट दिस एंगल। तो हम क्या करेंगे वी विल फाइंड आउट दिस एंगल, ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे ठीक है। मैं इस एंगल को लाइक कर लेती हूँ एंगल वन ठीक है, वन सो ये एंगल वन फाइंड आउट कर सकते हैं ना, हाउ वी विल फाइंड आउट बिकॉज दीज टू एंगल्स मेक अ लीनियर पेयर ओके। सो वी विल राइट हियर एंगल 1 प्लस 135 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, बिकॉज दे फॉर्म लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं दैट्स व्हाई द सम ऑफ दीज टू एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल 1, 180 माइनस 135 और वी गेट 45 ठीक है, क्या आ गया मेरे पास 45 डिग्री, एंगल 1 की वैल्यू क्या आ गई 45। नाउ अभी लगा दो इस पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी तो हमारे पास क्या आ जाएगा वैल्यू ऑफ एक्स, इन दोनों एंगल्स का प्लस किसके इक्वल होएगा इसके इक्वल होएगा, सो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू ऑफ एक्स। नाउ 85 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 85 डिग्री प्लस 45, सो मेरे पास क्या आ गया 5 प्लस 5 10 130 ठीक है, क्या आ गया 130 इज द वैल्यू ऑफ एक्स, क्या लग गया इस पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, सो दिस इज अवर आंसर। Now second sum is, second sum statement we have to given, one of the exterior angles of a triangle is 80 degree, एक exterior angle given है हमारे पास triangle का 80 degree and interior opposite angles are equal to each other, और जो interior angles हैं वो क्या है equal हैं, what is the measure of each of these equal angles, इन equal angles का measure क्या है हमने ये find out करना है। देखो हमारे पास ना exterior angle given है एक 80 degree और इंटीरियर एंगल्स उन्होंने कंडीशन बताई है कि जो इंटीरियर एंगल्स हैं दो वो इक्वल है, ये नहीं बताया कि इंटीरियर एंगल 30 डिग्री है या 40 डिग्री है 50 डिग्री है कुछ भी, ये नहीं उसका मेजर नहीं बताया,
तो हम उसका मेजर लेट करेंगे, लेट द टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स हम क्या लेट करेंगे, x, ये वाला भी x है और ये वाला भी x है, तो इसकी डायग्राम ऐसे बनती है ना, हमने ऐसे बनाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी वाली डायग्राम, एक्सटीरियर एंगल हमारे पास एक 80 डिग्री यहाँ पे होता है एक्सटीरियर एंगल, और ये दोनों क्या है इसके इंटीरियर एंगल्स, तो इस पर लगा दो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी वाला, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दो इस पर, एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू किसके होएगा 80 डिग्री बिकॉज ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एक्स, नाउ एक्स प्लस एक्स क्या हो गया, एक्स प्लस एक्स इज 2x इक्वल्स टू 80 डिग्री, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड जाके क्या हो जाएगा 2 डिवाइड हो जाएगा, नीचे चला जाएगा डिवाइड हो जाएगा, नाउ 80 डिवाइडेड टू क्या हो गया 40 डिग्री, सो एक्स का हमारे पास आंसर क्या आ गया 40 डिग्री, हमारे हमने यही फाइंड आउट करना था ना, वट इज़ द मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज इक्वल एंगल्स, इन दोनों इक्वल एंगल्स का हमने मेजर फाइंड आउट करना था एक्स का, ठीक है। तो हमारे पास दोनों एंगल्स इंटीरियर एंगल्स इक्वल इंटीरियर एंगल्स क्या आ गए 40 डिग्री, सो इक्वल इंटीरियर एंगल्स आर 40 एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 100 डिग्री, एक एक्सटीरियर एंगल कितना है 100 डिग्री है, एंड द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3, जो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं वो किस रेशियो में गिवन है 2:3 में गिवन है, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स, हमने ट्रायंगल्स के सारे एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। देखो वी हैव टू गिवन वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज 100 डिग्री, एक एक्सटीरियर एंगल 100 डिग्री गिवन है, इंटीरियर एंगल्स आ रहे हैं और इंटीरियर एंगल्स नहीं गिवन, उनकी रेशो गिवन है, रेशो गिवन टू अस 2:3 गिवन है, ठीक है। तो हम जब रेशो में गिवन होते हैं एंगल्स, तो हम उसकी क्या लेते हैं, उनको लेट करते हैं, लेट द एंगल्स भी, फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा 2x, सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा 3x, एक एंगल 2x हो गया, एक एंगल 3x हो गया। नाउ अभी हमने फाइंड आउट करने हैं सारे एंगल्स, तो हम इस पर क्या लगा सकते हैं, हम क्या लगा सकते हैं, जब तीनों एंगल्स गिवन हो हमारे पास, तो हम इस पर लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल सम ऑफ दीज थ्री एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, 100 डिग्री प्लस 2x, सेकेंड एंगल इज 2x, थर्ड एंगल इज 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x हियर, फर्स्टली हम क्या करेंगे, हमने अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व की हुई है ना, x वाले को इकट्ठा प्लस करेंगे, 3x प्लस 2x कितना हो गया 5x इक्वल्स टू 180, सेम राइट एज इट इज, और ये वाला 100 कांस्टेंट है, ये इस साइड चला जाएगा, दैट इज माइनस 100, ओके। नाउ 180 माइनस 100 कितना हो गया, व्हाट वी गेट 80, ठीक है। नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, 5x सेम राइट एज इट इज, और x की वैल्यू क्या आएगी 80 अपॉन 5 दैट इज 60, ठीक है। नाउ एंगल्स फाइंड आउट करने हैं सारे, अभी हमारे पास x की वैल्यू आई है, एक एंगल मेरे पास 100 है, दूसरा एंगल 2x है, थर्ड एंगल 3x है, अभी मैं एंगल्स बताऊंगी क्या क्या आ गया, अभी आ गई x की वैल्यू, फर्स्ट एंगल तो है 100, लिख लो, सो यहाँ पे लिख लो, सो एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, फर्स्ट एंगल इज 100, सेकंड एंगल मैंने क्या लिया है 2x, 2 मल्टीप्लाई, 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई, x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, x की वैल्यू क्या है 16 लिख दो, ठीक है 3x, दूसरा क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है 16, सो एंगल्स क्या आ गए 100 डिग्री, 62 का 32 डिग्री प्लस 16 3 का 48 डिग्री, दीज आर ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। नाउ मुझे फोर सम, फोर सम वी हैव टू गिवन दिस सम, ठीक है।
फिगर ये वाली गिवन है हमारे पास, पी आर परपेंडिकुलर टू आर टी गिवन है, पी आर, ये पी आर परपेंडिकुलर किसके है, आर टी के, मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं. एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर, रेशो किस गिवन, किस रेशो में गिवन है, 3:2:1. फाइंड द वैल्यू ऑफ टी आर एस, हमने टी आर और एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. पी आर परपेंडिकुलर है आर टी के, तो ये यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का. ठीक है, वैल्यू देखो बेटा, हमारे पास ये है गिवन है, देखो पी आर परपेंडिकुलर टू आर टी गिवन है, पी आर है जो आर टी के परपेंडिकुलर गिवन है, मीन्स ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है. ठीक है, और एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर किस रेशो में गिवन है, 3:2:1. ठीक है, फाइंड आउट द एंगल टी आर एस, आपने टी आर एस एंगल फाइंड आउट करना है, टी आर एस ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. ठीक है, नाउ एंगल पी कितना है, 3x. जब भी रेशो में गिवन होएगा तो हम उसको लेट कर लेंगे, लेट एंगल पी भी 3x, एंगल क्यू भी 2x एंड एंगल आर भी x. ठीक है, इन ट्रायंगल पी के वन, अब हमने क्या करना है, अब हम इस x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. इस x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इन सभी सारे ट्रायंगल्स के एंगल भी हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे. एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज 180 डिग्री एंगल क्यों है, बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. ठीक है, नाउ एंगल पी की वैल्यू पुट कर दो, एंगल पी क्या लिया है, ई एक्स प्लस, प्लस का साइन है प्लस, एंगल क्यू कितना है 2x प्लस, एंगल आर कितना है एक्स, इक्वल्स टू 180 डिग्री. नाउ इन सबको प्लस करके कितना आ गया, 3x प्लस 2x इज x, प्लस x इक्वल्स टू कितना आ गया 6, 3x प्लस 2x इज 5x, 5x प्लस 1 इज 6x, 6x इक्वल्स टू क्या आ गया, 180. ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 180 डिवाइडेड बाय 6, ये वाला 6 इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, वैल्यू ऑफ x क्या आ गई मेरे पास, 30 डिग्री. नाउ मैंने ये टी आर एस की वैल्यू निकालनी है, एंगल टी आर एस कैसे फाइंड आउट हो सकता है. ठीक है, मेरे पास ये वाला एंगल देखो, इसकी रेशियो थी मेरे पास 3x, एंगल क्यू था 2x और एंगल आर था एक्स, मीन्स ये वाला x मेरे पास आ गया, अभी x क्या आ गया मेरे पास 30 डिग्री, ये वाला x क्या आ गया 30 डिग्री, यहाँ पे लिख लो चाहे x क्या आ गया 30 डिग्री. अभी ये तीनों एंगल्स मिलके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं ना, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल मिलके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर. ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 30 डिग्री प्लस यहाँ पे परपेंडिकुलर है ना, पी आर परपेंडिकुलर टू आर टी, मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे कौन सा एंगल है 90 डिग्री, प्लस 90 प्लस ये वाला एंगल कौन सा एंगल, टी आर एस, एंगल टी आर एस इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक है, नाउ एंगल टी आर एस की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, एंगल टी आर एस किसके इक्वल आएगा, फिर 180 में से ये दोनों एंगल्स माइनस कर लोगे, इस साइड जाके ये माइनस हो जाएगी. ठीक है, इन दोनों का प्लस कर लो, 90 प्लस 30 इज 120 उधर जाके माइनस हो जाएगा, सो आंसर इज 60 डिग्री, एंगल टी आर एस कितना आ गया 60 डिग्री. ओके, फिफ्थ सम में देखो बेटा क्या है, डिटर्मिन द एंगल्स ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमें ये फर्स्ट गिवन फिगर गिवन है, इसमें हमने ये एंगल डिटर्मिन करने हैं कि ये वाला एंगल कितना है और ये वाला एंगल कितना है. इस पर हमारे पास पहले क्या लग जाएगी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का यूज़ करेंगे. ठीक है, सॉरी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे. ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के यूज़ के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, ये वाला एंगल इन दोनों एंगल्स के प्लस के इक्वल है. ठीक है, सो वी विल राइट हियर एक्स, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, एक्स प्लस 10 डिग्री इक्वल्स टू 130 डिग्री बिकॉज ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. ठीक है, ब्रैकेट में रीजन राइट करोगे कि क्यों लिखा है. ओके, नाउ एक्स प्लस एक्स इज 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 130, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, 2x इक्वल्स टू 130, ये वाला 10 इस साइड जाके माइनस कर दो, क्या हो गया 120, सो वैल्यू ऑफ एक्स क्या आ गई 120, ये वाला 2 साइड जाके डिवाइड हो गया, क्या आ गया 60, वैल्यू ऑफ एक्स क्या आ गई मेरे पास 60 डिग्री. नाउ मैंने ये वाले एंगल्स बताने हैं कि ये वाले एंगल्स कितने आएंगे. ठीक है, ये वाला एक एंगल एक्स है, दूसरा एंगल एक्स प्लस 10 है. ठीक है, तो एंगल्स क्या आ गए मेरे पास, सो एंगल्स आर
ये वाला एंगल x है, x की वैल्यू क्या आ गई 60, तो एक एंगल आ गया मेरे पास 60 डिग्री। दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, दूसरा एंगल है x प्लस 10, सो दूसरा क्या हो जाएगा 60 प्लस 10 कितना हो गया 7, सो मेरे पास एंगल्स क्या आ गए 60 एंड 70। ठीक है, नाउ सेकेंड पार्ट, डू योर सेल्फ थर्ड सम। थर्ड सम में कितना क्या है, देखो वी हैव टू गिवन दिस फिगर, हेयर एंगल इज 2x, हेयर एंगल इज 36, हेयर एंगल इज 5x, तो यहाँ पे भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लग जाएगी, मीन्स इन दोनों के एंगल्स का प्लस इसके इक्वल लिखोगे 5x। ठीक है, सो वी विल राइट हियर 2x प्लस 36 डिग्री इक्वल्स टू 5x बिकॉज ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ POR। ठीक है, नाउ वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट कर लो, यहाँ से हम क्या करेंगे x वाले टर्म्स एक साइड कर लो। ठीक है, 2x यहाँ भी रख लो, ये वाला 5x इधर ले लो, 36 उधर ले जाओ, 36 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 36, ये प्लस का 5x था इधर आके माइनस का 5x हो गया, ये 36 प्लस का था इधर आके माइनस का 36 हो गया। नाउ प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 5x माइनस 2x कितना हो गया 3x, और यहाँ पे साइन किसका आएगा माइनस का, बड़े डिजिट माइनस 36, माइनस के साथ माइनस कैंसिल आउट, एक्स की वैल्यू क्या आ गई फिर 36 डिवाइडेड 3, ये वाला 3 उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, क्या आ जाएगा 12। ओके, सो आंसर क्या बन गया मेरे पास, हमने एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, डिटरमिन द एंगल्स, ये वाला एंगल फिर कितना बन गया 2 मल्टीप्लाई 12, और ये वाला एंगल तो 36 ही गिवन है, और ये वाला एंगल कितना बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, 12 to the 24, 36 डिग्री, थर्ड एंगल इज 12 5 60 डिग्री, सो दिस वन इज अवर आंसर। नाउ बच्चे सिक्स्थ का फर्स्ट पार्ट, सिक्स्थ का फर्स्ट पार्ट देखो क्या है, ये वाला फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई या जेड जो भी है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इस वाले फर्स्ट पार्ट में हमें एक्स गिवन है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कैसे, देखो इस पे भी हमारे पास एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगेगी, बट हम पहले ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे, कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाली ट्रायंगल है पहले हमारे पास, इसमें से ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट होएगा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, 34 प्लस 30 डिग्री, इसको मैं ले लेती हूँ एंगल 1, इसका मैं ले लेती हूँ नेम एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंगल 1, क्या आएगी 180 में से इन दोनों का प्लस इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, 34 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 34 प्लस 30 कितना हो गया 64। ठीक है, 180 में से 64 माइनस कर दो, कितना हो गया 7 माइनस 6 1 116 डिग्री। ठीक है, कितना आ गया 116, सो एंगल 1 है, ये वाला एंगल मेरे पास क्या आ गया 116 डिग्री। अब मैं ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लूँगी, क्योंकि जो ये एक्सटीरियर एंगल है, जो ये एक्सटीरियर एंगल है वो इस वाले ट्रायंगल के साथ बन रहा है, इस वाले ट्रायंगल के साथ बन रहा है ये एक्सटीरियर एंगल, तो मेरे पास ये वाला एंगल होना चाहिए, तो इन दोनों एंगल्स का प्लस इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ये एंगल फाइंड आउट कर लूँगी, ये वाला एंगल 1 क्या आ गया मेरे पास 116 डिग्री। ठीक है, ये वाले एंगल को ले लेती हूँ मैं एंगल 2, एंगल 2 ये वाला है मेरे पास एंगल 2, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, ये दोनों क्या बना रहे हैं मेरे का लीनियर पेयर, ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, सो हम वहाँ से एंगल 2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एंगल 2 प्लस 116 डिग्री इक्वल्स टू 118 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, सो एंगल 2 की वैल्यू क्या आ गई 180 में से 116 माइनस कर दो, 10 माइनस 6 4। ठीक है, यहाँ पे कितना रह गया 7 माइनस 1 6, कितना बच गया 64 डिग्री, एंगल 2 की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास कितनी आ गई 64 डिग्री। ठीक है, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, अब इस एक्स की वैल्यू फिर क्या आएगी इस साइड लिख, ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों एंगल्स का प्लस कर लो, 64 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना हो जाएगा 109, वैल्यू ऑफ एक्स क्या आ गई 109। ठीक है, नाउ बच्चे सेकंड पार्ट डू योर सेल्फ, वी विल सॉल्व थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखो क्या गिवन है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्स एंड दिस वाई एंड दिस जेड,
पहले इस x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, ये वाली मेरे पास एक ट्रायंगल बन रही है ना, ये ट्रायंगल बन गई, इसका एक एंगल 58 डिग्री है, सेकंड एंगल 84 डिग्री है और थर्ड एंगल x है, तो थर्ड एंगल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा के, x प्लस 58 डिग्री प्लस 84 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस x, 180 में से इन दोनों का प्लस माइनस कर दो उस साइड ले जाके, क्या हो जाएगा 142, 180 में से 142, सो माइनस करोगे 180 में से 142 क्या आ जाएगा 38 डिग्री, ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 38 डिग्री। नाउ देखो ये वाला z फाइंड आउट कर सकते हो, अभी आ जाओ ये y और z एंगल फाइंड आउट करनी, ये z फाइंड आउट हो सकता है, कैसे हो सकता है ये z फाइंड आउट, ये दोनों क्या बना रहे हैं लीनियर पेयर, ये दोनों क्या बना रहे हैं लीनियर पेयर, सो 84 डिग्री प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ठीक है, फिर z की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, 180 माइनस 84 डिग्री, 10 माइनस 4 कितना हो गया 6, 9 कितना आ जाएगा 96 डिग्री, क्या आ जाएगा z की वैल्यू क्या आ गई 96 डिग्री, z की वैल्यू क्या आ गई 96 डिग्री, ये 96 डिग्री आ गई। नाउ वैल्यू ऑफ y कैसे फिर फाइंड आउट होगी, वैल्यू ऑफ y, अभी y की वैल्यू है, अभी ये वाली ट्रायंगल है मेरे पास, ये वाली, इसमें फर्स्ट एंगल एक एंगल 96 हो गया, एक एंगल 20 हो गया, थर्ड एंगल y गिवन है, तो थर्ड एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे अगर दो एंगल गिवन है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, 20 डिग्री प्लस 96 डिग्री प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री, सो y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, 180 में से इन दोनों का प्लस से माइनस कर दो उस साइड ले जाके, 96 प्लस 20 कितना हो गया, 96 प्लस 20 हो गया 116, ठीक है, 180 में से 116 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा कितना आ जाएगा, 180 में से 116 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 64 डिग्री इज योर आंसर, x y और z की सभी की वैल्यूज फाइंड आउट हो गई हैं, x की वैल्यू क्या है 38 डिग्री, y की वैल्यू क्या आ गई 64 डिग्री एंड z की वैल्यू क्या आ गई 96 डिग्री। नाउ सेवन सम, सेवन सम देखो क्या है, द साइड ऑफ बी सी, द साइड बी सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी इज प्रोड्यूस टू द पॉइंट डी, मैंने ये यहाँ पे ए बी सी ट्रायंगल ड्रॉ कर ली है, ठीक है, और ये जो बी सी साइड है इसको डी पॉइंट पे प्रोड्यूस्ड कर दिया, ठीक है, बी सी साइड को डी पॉइंट पे प्रोड्यूस किया, ठीक है, देन वी हैव टू गिवन एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी 30 डिग्री गिवन है और एंगल ए सी डी 110 डिग्री है, फाइंड ए पी सी करना है और आपने ए पी सी फाइंड आउट करना है, और एक चीज़ क्या दी है, द बाई सेक्टर ऑफ एंगल ए मीट्स द साइड बी सी इन पी, जो एंगल ए का बाई सेक्टर है, एंगल ए ये रहा इसका बाई सेक्टर, ये मैंने ड्रॉ कर दिया इसका बाई सेक्टर, ये साइड बी सी को कहाँ पे मीट कर रहा है, पी पॉइंट पे मीट कर रहा है, ठीक है, नाउ एंगल ए बी सी 30 डिग्री, ए बी सी 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री राइट हो गया, ए सी डी, एंगल ए सी डी इज 110, सो आई फाइंड हियर 110 डिग्री, फाइंड ए बी सी, हमने ए पी सी फाइंड आउट करना है, ए पी सी ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ए पी सी ये वाला, ठीक है, देखो कैसे होएगा, तो हमने क्या करना है, देखो पहले हमारे पास ये एक्सटीरियर एंगल गिवन है ना, तो एक्सटीरियर एंगल गिवन है तो हम इस पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा देंगे कि इन दोनों एंगल्स का प्लस इसके इक्वल होएगा 110 डिग्री के, तो हमारे पास पहले ये एंगल ए फाइंड आउट हो जाएगा, फर्स्टली इसमें एंगल ए फाइंड आउट करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 110 डिग्री बिकॉज ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यहाँ पे मेंशन कर लेना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, एंगल ए फाइंड आउट करना है राइट एज इट इज, प्लस एंगल बी, एंगल बी इज 30 डिग्री इक्वल्स टू 110 डिग्री, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल ए, एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई 110 माइनस 130 कितना हो जाएगा 0 80, कितना आ गया एंगल ए मेरे पास कितना आ गया 80 डिग्री, ये पूरा एंगल ए 80 डिग्री आया, ये पूरा एंगल ए, ठीक है,
अभी मैंने फाइंड आउट करना है एंगल ए बी सी। अगर मैंने एंगल ए बी सी फाइंड आउट करना है तो मैं ये वाली ट्रायंगल लूंगी, ये वाली ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी इसमें मुझे एक एंगल ये चाहिए और एक एंगल ये वाला चाहिए। ये वाला एंगल कैसे फाइंड आउट हो सकता है? ये पूरा एंगल 80 डिग्री है तो ये इतना सा एंगल कितना होएगा? क्योंकि एंगल ए क्या हो रहा है? बाइसेक्ट हो रहा है। इसका बाइसेक्ट हो रहा है पी पॉइंट पे। बाइसेक्ट हो रहा है मीन्स इस एंगल का हाफ हो रहा है। अगर ये पूरा 80 डिग्री है तो ये भी 40 होएगा, ये भी 40 होएगा। ठीक है, तो हम राइट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ये एंगल देखो कैसे फाइंड आउट होएगा, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए क्या है? मीट द साइड बीसी। इसका बाइसेक्टर बीसी साइड को पी पॉइंट पे मीट कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला एंगल मैं फाइंड आउट करूंगी। इस एंगल को मैं ले लेती हूँ एंगल वन, इसका नेम ले लेती हूँ एंगल वन। देयरफॉर इन ट्रायंगल, फिर मैं ये वाली ट्रायंगल लूंगी, ये वाली सारी एंड ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल वन, एंगल वन किसके इक्वल होएगा? एंगल वन इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ए, हाफ ऑफ एंगल ए। ठीक है, हाफ ऑफ एंगल ए, क्योंकि इसका बाइसेक्ट हो रहा है तो ये हाफ रह गया, हाफ एंगल इधर रह गया, हाफ एंगल इधर रह गया। ये 40, ये 40, एंगल 1/2, एंगल ए क्या है 80 डिग्री, कैंसिल आउट कर लो, क्या हो जाएगा 40। तो एंगल 1 मेरे पास कितना आ गया है 40 डिग्री, ये एंगल मेरे पास कितना आ गया है 40 डिग्री। नाउ फाइनली आई हैव टू फाइंड द एंगल, ये वाला एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी फाइंड। नाउ एंगल ए बी सी फाइंड आउट करना है, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी कैसे फाइंड आउट होगा? मेरे पास ये एंगल भी पता चल गया, ये एंगल भी पता है, एक्सटीरियर एंगल ही बना है, एक इंटीरियर एंगल ही बना है और सेकंड इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। तो इस पे मैं क्या लगाऊंगी? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाऊंगी। एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 40 डिग्री इक्वल्स टू किसके होएगा? 110 डिग्री के, बिकॉज ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एंगल ए बी सी। ए बी सी की वैल्यू में किसके इक्वल आएगी? 110 माइनस 40, 110 में से 40 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 7। ठीक है, 7, एंगल ए बी सी कितना आ गया? 70 डिग्री। नाउ एट सम, एट सम क्या आ गया बना है हमारे पास? एट सम इज वी हैव टू गिवन दिस फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, ये फिगर गिवन है हमारे पास एंड एंगल ए बी एफ, ए बी एफ एंगल ए बी एफ 60 डिग्री गिवन है और एंगल बी एफ डी 35 डिग्री गिवन है। कैलकुलेट एंगल सी डी एफ, एंगल सी डी एफ ये वाला एंगल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ए बी पैरेलल टू सी डी, एंगल ए बी एफ, ए बी एफ ये वाला एंगल 60 डिग्री है और एंगल बी एफ डी, एंगल बी एफ डी ये वाला एंगल 35 डिग्री है। वी हैव टू फाइंड द एंगल सी डी एफ, सी डी एफ ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला। ठीक है, पहले मेरे पास मैं ये एंगल फाइंड आउट कर लूँगी, पहले मैं ये एंगल फाइंड आउट कर लूँगी क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल बन रही है ना, ट्रायंगल बन रही है तो यहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा मेरे पास, तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लग जाएगी। ठीक है, तो एंगल सी ई एफ, एंगल सी ई एफ कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। क्यों आया ये 60 डिग्री? क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्यों आ गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल? क्योंकि ए बी पैरेलल टू सी डी है, ए बी लाइन सी डी लाइन के पैरेलल है, तो ये दोनों क्या बनते होते हैं हमारे पास? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा? एंगल सी ई एफ भी कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। एंगल सी ई एफ कितना आ गया? 60 डिग्री। नाउ फाइनली वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल सी डी एफ। अभी मैंने एंगल सी डी एफ फाइंड आउट करना है, ये कैसे होएगा? इस पे लगा दो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल सी डी एफ प्लस ये वाला एंगल 35 डिग्री किसके इक्वल है? दिस एक्सटीरियर एंगल। ये एंगल, इन दोनों एंगल इस ट्रायंगल के एक्सटीरियर में पड़ा है, बाहर पड़ा है। ठीक है, तो एंगल सी डी एफ फाइंड आउट कर लो। एंगल सी डी एफ कितना आ गया? 60 माइनस 35 डिग्री कितना हो गया? 25। आंसर मेरा कितना आ गया? 25। सो दिस वन इज अवर एक्सरसाइज 6B। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस एक्सरसाइज देन यू कैन आस्क ऑन अ व्हाट्सएप।